इसलिए हे गोपीनाथ जी हम सबको पर आप कृपा करो, ये माया तुम्हारी माया है, जब तक ये माया को तुम नहीं हटाओगे ना ये माया से कोई भी पर पार नहीं जा सकते हैं। इसलिए ये गोपीनाथ जी की कृपा होना तब ये संसार समुद्र से हम पार हो सकते हैं। बोले श्री गोपीनाथ जी, बोले श्री गोपीनाथ जी की। हाँ देखो ये जो गोपीनाथ जी है, इधर आओ सुंदर गोपाल, इधर आओ कथा सुना दे जल्दी, थोड़ी सी याद पांच मिनट सुना दे, फिर मैं सुना दे। बोले श्री मधु पंडित की जल्दी 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 हमारे सारे भक्त लोग आए थे, कुछ निकले थे, हमारे सारे भक्त लोग आए हैं, सब बंगाली मारे से, सब बंगाली मारे सुनाए तो इधर आओ, हमारे बंगाली सब मायरा चैतन्य प्रभु नित्यानंद। आर्टिकल पढ़ रहा था श्रील पुरी गोसाई महाराज जी का, जिसमें वो कह रहे थे कि देखो अगर किसी आचार्य ने आपको पूर्व में निर्देश दिया और एक बाद में दिया, बाद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे मैंने आपसे बोला पानी ले आओ, फिर मैंने बोला नहीं दूध ले आओ, क्या लाओगे? दूध लाओगे जो बाद में उपदेश दिया। तो यदि भी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रसाद जी ने अपने शिष्य को पूरा जीवन उपदेश दिए, बट उनके कुछ अंतिम उपदेश थे, उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि जहाँ पे हरि की थी हरि कथा होती है वही धाम है, जहाँ पे भगवान की सेवा होती है भक्त रहते हैं वही धाम है। इसलिए जो जयपुर है इसको गुप्त वृंदावन, और यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है, श्रीधर महाराज जी एक बात बता रहे थे भी वृंदावन में कि ठाकुर जी का कान यहाँ पे आने का कारण ये बना कि वहाँ पे ठाकुर जी की अच्छी सेवा नहीं हो रही थी। तो भगवान कैसे है, भक्तों के अधीन है, होते हैं वहाँ पे भगवान।